एक तरफ शिवराज सरकार और भाजपा पूरे प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कभी सरकारी सिस्टम तो कभी खुद उनका सरकारी अमला ही शिवराज सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल खोलता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल तक, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आपको बता दें, ताजा मामले में भाजपा में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त नेता ने ही भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए कहा कि सबके रेट फिक्स है। शिवपुरी की करैरा से पूर्व विधायक व वर्तमान में कुकुट विकास निगम के अध्यक्ष जसवंत जाटव ने कहा है कि उनके क्षेत्र में कोई भी काम बिना रिश्वत के पूरा नहीं हो रहा है। वहीं उनके क्षेत्र की जनता को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। जसवंत जाटव का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अब मैं एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। राजस्व विभाग तहसीलदार हो, एसडीएम हो, चाहे उसके नीचे पटवारी हो या आरआई हो, पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारी दोनों तहसील में कोई भी नामांतरण बंटवारा या रजिस्ट्री बिना सुविधा शुल्क के नहीं हो रही है। हमारे क्षेत्र की जनता को उस चीज के लिए भटकना पड़ रहा है जो कि उनका अधिकार है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने भाजपा नेता का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है और तंज कसते हुए कहा है कि मंत्री जी ने ये नहीं बताया कि कांग्रेस की सरकार गिराते समय वे खुद कितने बिके हुए थे। एक और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला, राजस्व विभाग तहसीलदार हो चाहे एसडीएम हो और इनके नीचे आरआई और पटवारी, ये महत्वपूर्ण अंग है, ये सभी विभागों के ऊपर राज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन यहां से होता है। मैं कह सकता हूं पूरी गारंटी के साथ कि हमारी दोनों तहसील में कोई भी नामांतरण, कोई भी बंटवारा, कोई भी दृष्टि बिना सुविधा शुल्क के नहीं हो रही है, कोई भी फाइल। अपने आप को भी आने की तरह साफ करें और शिकायत न मिले। मेरे क्षेत्र का व्यक्ति ऐसे भटक रहा है, ऐसे गड़गड़ाता पटवारी आ रही और श्रीमानों के सामने जैसे वो भीख मांग रहा हो, उसका अधिकार ना हो। यह भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए और अगर इसको भ्रष्टाचार पसंद है वो यहां से ट्रांसफर करा दे। एक भी शिकायत जब मिलेगी तो मैं ऐसे ही मंच से बातचीत करूंगा और जनता के द्वारा करवाऊंगा। ध्यान कर रहे हैं,